वो भावनाओं के समंदर थे, वो शख्सियत थे जो शिखर पर थे, उनका व्यक्तित्व विराट था, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका जाना खटकता है, जिनके जाने पर आंसू बहते हैं, और उन्हीं में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वो कवि हृदय थे, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, लेकिन सबसे बड़े वो भारत माँ के पुत्र थे। उनकी कविताओं के संग्रह के साथ ये जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम देखिए। मैं जी भर किया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा ऊंच से क्यों डरूं। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। कोई पहरा कोई काम ना आया, रसगत पीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। मोल लगा बिकने वाले का बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाथ में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, हृदय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, हृदय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उड़ का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का खट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन थल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से साम गान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के लाट को चूमा, अतल सिंध को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हाहा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का छोका आता है, तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहार। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।
मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोक कर खड़ी, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। भरी दोपहरी में अधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, दूर हुआ लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीचि हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर समरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का सीट झुका लोगे यह मत समझो। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं,
मैं जी भर दिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। कवि उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। बहुत से बंदी जेल गए थे, मैं जेल से ज्यादा अस्पताल में था। उस समय मैंने कुछ कुंडलियां लिखी, उस समय विनोबा जी ने कहा था कि अनुशासन का पर्व है, अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश, हवालात की हवा भी देती ये संदेश, देती ये संदेश, राज झंडे से चलता, जज हज करने जाए रोज कानून बदलता, कह कैदी कविराय शोर है अनुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। ये सन के ऊपर प्रतिबंध के सिलसिले में है, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां झरने जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले संकल्प, हरे हरे बादाम, वृक्ष पर लगे खड़े चिलमोजे, गंधक मिला उबलता पानी, कोई मणि को खोजे। हरे हरे बादाम, वृक्ष पर लगे खड़े चिलमोजे, गंधक मिला उबलता पानी, कोई मणि को खोजे, दोनों बाह पसार बुलाती हमें मनाली, दोनों बाह पसार बुलाती हमें मनाली, दावानल में मलयाली सी महकी चित्र मनाली। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवेद शोणित से चिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। जो कुछ गोधरा में हुआ वो सबके लिए शर्मनाक है, लेकिन गोधरा के बाद गुजरात में जो कुछ हुआ
उसकी भी उतनी कठोर निंदा होना चाहिए। जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई, पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला तो खतरा भी दूर हो जाएगा। मुझ पर आरोप लगाया गया और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य, सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है, जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा। कभी हम सत्ता के लोग गलत काम करने के लिए, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश के देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, दूध में दरार पड़ गई, दीवार में दरार पड़ती है, दिल में दरार पड़ती है, लेकिन पंजाब में भाई भाई के बीच में जो स्थिति पैदा हुई उसको मैं इन शब्दों में वर्णित कर रहा हूं। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। ये पुरानी कविता है, शास्त्री का आदेश है कि मैं नए संदर्भ में पढूं। आएगी जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? शून्य तटों से सर टकरा कर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा, यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंदगी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांधीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई, अगणित सीताएं अपरत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर शर को संधानो, अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, एक हाथ में सृजन
दूसरे में हम प्रे लिए चलते हैं, सभी कीट ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। मैं जी भर दिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा ऊंच से क्यों डरूं।